नहीं नहीं मुझे तो शाम को छुट्टी मिलती है सर, मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल जाएगी, मैंने सारा के मंगेतर को देखना जा। मैं ये इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सारा दिन इस कुर्सी पे बैठी रहूँ, या ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बन जाऊँ, ये सब कुछ मेरे गोल में नहीं है। जी नहीं शुक्रिया, मैं तो ना सिद्दीकी साहब से कह के कोई महफूज और आसान सा काम ले लूंगी, ऐसे सुना है कि उनके रिश्तेदार हैं। अदाकारा सदाकारा और ड्रामा डायरेक्टर शहनाज शेख 1 जून 1962 को मुलक बर्मा के शहर कला में पैदा हुई। दोस्तों अब बात करते हैं कि बर्मा में पैदा होने वाली शहनाज शेख पाकिस्तान कैसे पहुंची। सन 1965 में जब पाकिस्तान की मुआशियत बहुत बेहतर थी, वो दूसरे मुल्कों के महाजरों को अपने मुल्क में बसाता था, तब 1965 में क़वामे मुत्तहिदा के महाजर की हैसियत से शहनाज शेख और उनका खानदान मुल्क बर्मा से हिजरत करके पाकिस्तान आया था और उन्होंने लाहौर में सुकूनत इख्तियार की थी। शहनाज शेख की तलीम की अगर बात करें तो उन्होंने इब्तदाई तलीम कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मरियम स्कूल लाहौर से हासिल की, जो कि अब कॉलेज का दर्जा हासिल कर चुका है, जबकि लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से उन्होंने फाइन आर्ट्स की तलीम हासिल कर रखी है। इससे हमें पता चला है कि शहनाज शेख का शुमार पाकिस्तान के उन फनकारों में होता है जो पढ़े लिखे हैं। दोस्तों बात करते हैं शहनाज शेख किस तरह अदाकारी की तरफ आई। शहनाज शेख की खाला क्लासिकल मौसीकार सैफा बेग थी, जिनका दिल पाकिस्तान टेलीविजन और स्टेज से बहुत गहरा रहा था और यही शहनाज शेख की पीटीवी में आने की वजह बनी। और 80 की दहाई के शुरू में उन्होंने अपने पहले ड्रामा बालीला में काम किया था। ड्रामा बालीला को शेब हाशमी ने लिखा था, मगर ड्रामा बालीला की चंद एक साथ ही टेलीविजन से कास्ट हुई थी और ड्रामा को बंद कर दिया गया था। मगर शहनाज शेख की बेहतरीन अदाकारी को कई एक डायरेक्टर्स ने ऑब्जर्व कर लिया था और उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर एक अच्छी अदाकारा छुपी हुई है। फिर पाकिस्तान के मंजे डायरेक्टर शेख मंसूर और मुसनफा हसीना मोइन ने उन्हें अपने ड्रामा अजनबी के लिए अप्रोच किया, मगर वो अजनबी का हिस्सा ना बन सकी। अब बात करते हैं दोस्तों उस ड्रामा की जिसने सही मायनों में शहनाज शेख को मुलगीर शोहरत दी, उसका नाम है अनकही। तो ले नहीं सकती, काम क्या करेंगे? सर डिक्टेशन क्यों नहीं ले सकती, KG 2 से तो मैं डिक्टेशन लेती आई हूँ। KG 2 से डिक्टेशन? ड्रामा अनकही को हसीना मोइन ने ही तहरीर किया था, जबकि सैयद मोहसन और शे मंसूर जैसे मंजे हुए डायरेक्टरों ने उसे डायरेक्ट किया था। ड्रामा अनकही को 1982 में पीटीवी कराची सेंटर से नशर किया गया था। ड्रामा अनकही की मेन कास्ट में शहनाज शेख, जुवेद शेख, जमशेद अंसारी, बहरोज सब्जवारी और अदाकारा बदर खलील शामिल थे। ड्रामा अनकही पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत देखा और पसंद किया गया था। ड्रामा अनकही के बाद जो दूसरा ड्रामा शहनाज शेख की पहचान बना उसका नाम है तन्हाइयां। ड्रामा अनकही 1982 में टेलीकास्ट किया गया, जबकि तन्हाइयां 1986 में पीटीवी कराची सेंटर से नशर किया गया। इस ड्रामा को एक दफा फिर सीना मोइन ने लिखा, जबकि शहजाद खलील मरहूम ने डायरेक्ट किया था। ड्रामा की मेन कास्ट में मरीना खान, बेरोज सब्जवारी के अलावा शहनाज शेख, आसिफ रजा मीर, काजी वाजिद और दर्दाना भट्ट वगैरह शामिल थे। ड्रामा तन्हाइयां की कहानी दो बहनों के गिर्द घूमती है जिनके वालदैन एक प्लेन हादसा में इंतकाल कर जाते हैं और उनकी खाला दोनों लड़कियों की देखभाल करती है, जिनमें एक लड़की मरीना खान जो कि शोको चंचल होती है, जबकि उसकी बड़ी बहन शहनाज शेख जो कि जारा के किरदार में तन्हाइयां में काम कर रही थी वो संजीदा होती है। दोस्तों शहनाज शेख के दूसरे मकबूल ड्रामों और प्रोग्रामों में शामिल है मरे जिनके लिए, शोबिज मसाला, मेरी पसंद, यस सर नो सर, डाक टाइम। डाक टाइम वो अंकल सरगम के प्रोग्राम के लिए किया करती थी। शहनाज शेख ने बहुत कम काम किया मगर जो काम किया वो लाजवाब है और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हम सबको मालूम है कि पहले सिर्फ पीटीवी चैनल होता था, अभी पाकिस्तान में चैनल्स का सैलाब आ चुका है और फिर ड्रामा सीरियल तन्हाइयां का सीक्वल बनने जा रहा था, तो एक दफा फिर शहनाज शेख को अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने इस दफा अपनी जॉब की मसरूफियत की वजह से माजरत कर ली। सीक्वल तन्हाइयां को भी एक दफा फिर हसीना मोइन ही लिख रही थी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जगह पर जो लड़की तन्हाइयां में लेंगे तो तुम उसके लिए अपनी आवाज डब कर देना, ताकि लोग जब ड्रामा देखें तो एक फील आ सके, एक एहसास हो सके कि ये वही सारा है। तब शहनाज शेख ने कहा कि मैं अपनी आवाज डब करवाऊंगी लेकिन मैं उसके औज मुआवजा आपसे लूंगी, लेकिन
उस वक्त जो ड्रामा तन्हाई के सीक्वल के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने शहनाज़ शेख की आवाज़ को डब नहीं करवाया। अदाकारा शहनाज़ शेख समाजी कामों में भी हिस्सा लेती रही हैं और उन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर 2005 में शुमाली पाकिस्तान में 18 अक्टूबर 2008 के जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए एक फलाही तंजीम FEM में भी काम किया था। शहनाज़ शेख की खूबसूरती पाकिस्तान टेलीविजन ही तक महदूद नहीं थी, उन्हें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और जब इंडिया में फिल्म हिना बनने जा रही थी तो राज कपूर ने एक दफ़ा अप्रोच की थी कि वो शहनाज़ शेख को लेना चाहते हैं अपनी फिल्म हिना के लिए, लेकिन शहनाज़ शेख ने इंडियन फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। तब फिल्म की राइटर हसीना मोइन ने राज कपूर को कहा कि आप अदाकारा ज़ेबा बख्तियार को ले लें, वो भी इस किरदार के लिए मौजूद हैं। और फिर ज़ेबा बख्तियार ने उस फिल्म में काम करके बता दिया कि वो किरदार उन्हीं के लिए ही लिखा गया था। दूसरे फनकार जो हमेशा बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन शहनाज़ शेख ने खुद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया था। शायद वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि वो शादीशुदा थी। दोस्तों बात करते हैं शहनाज़ शेख की अज़्दवाजी जिंदगी की। अदाकारा शहनाज़ शेख ने अपने करियर के आगाज में ही 24 दिसंबर 1982 को PTV के मरूफ शख्सियत से जिनका नाम सीरत हाजर था उनसे शादी कर ली थी। आपके सीरत हाजर से दो जुड़वा बेटे हैं। शहनाज़ शेख तकरीबन 18 साल से मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में अदाकारी की तालीम दे रही हैं। उन्होंने पहले काफ़ी अर्सा तक HSN कॉलेज लाहौर में काम किया है और अब वो लाहौर ग्रामर स्कूल को ज्वाइन कर चुकी हैं और उसमें वो अदाकारी की तालीम देती हैं और मुस्तकिल तौर पर वो लाहौर में सेटल हैं। दोस्तों अगर आपको शहनाज़ शेख के बारे में ये मालूमात पसंद आई है तो हमें भी अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मोजेस सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीस ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आईडी बनी हुई है ग्लैंस ऑफ लाइफ, उन्होंने आरफा सिद्दीकी और उनके साथ म्यूजिक डायरेक्टर तबीर अली को वेलकम किया है और उन्होंने कहा वाओ, यानी कि वो खुश हुए हैं कि आरफा सिद्दीकी ने कमबैक कर दिया गुलकारी के साथ। उसके बाद हैं अदनान रजा फिशर, उन्होंने निशाद म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर वो लिखते हैं नवीद निशाद इज ए सन ऑफ द वाजिद अली निशाद एंड ग्रैंड सन ऑफ निशाद। सोम्बल इकबाल के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर अब्बास मोबाइल के नाम से आईडी बनी हुई है, वो कहते हैं बहुत अच्छी एक्टर हैं सोम्बल इकबाल, उनको सोम्बल इकबाल बहुत पसंद है। उसके बाद मलाला यूसुफ के ऊपर काफी अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर शकील लतीफ कहते हैं मलाला यू डिड ए ग्रेट जॉब, उन्होंने मलाला यूसुफ को अप्रिशिएट किया है। ये थे चार सब्सक्राइबर जिन्होंने पुरानी वीडियोज पर कमेंट्स दिए थे, मैंने सोचा उसको शामिल कर लिया जाए। Thank you so much.